अच्छा फिर का बताओ जी जी काते ना गए हैं। हाँ एक मिनट होल्ड करो। हाँ फिर से रुको जरा। हाँ जी जी हम तुम्हें जरा करते हैं 10 मिनट में। अरे कर रहे हैं जी जी रुको जरा, एक इम्पॉर्टेंट काम है। हाँ बोलो। फिर से पार्लर जा रही हो बहू? पिछले महीने तो गई थी तुम। भाई हमारी पिंकी थी गजब, कभी पार्लर की शक्ल ना देखी, ना देखी ना हमें देखने दी। जब से वो संभाला था ना सारा काम खुद ही कर देती थी, ये निकालना ये निकालना सब हमारा घर पे करती थी और हमारा ही का खर्चा बचाती थी। पड़ोस की चार और औरतों को बिठा लेती थी। हाँ ऐसे तो उसने अपना हाथ साफ किया है, तभी तो आज इतनी बड़ी ब्यूटीशियन बन गई है, कितना काम करती है। देखो देखो बेटा, हमें बार बार बोलना तो अच्छा ना लगता है, पर देखो चार पैसा बचाओगी ना तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे मुन्ने के काम आएगा। हाँ जो छोटी छोटी चीजें तो एक गृहिणी को घर पे ही करनी आनी चाहिए। हाँ ये नहीं बार बार हर काम के लिए पार्लर, हर काम के लिए पार्लर भाग रही हो। अब काम से परमिशन लोगी? परमिशन वाले लोग हैं आजकल, है कोई मानता भी है? भी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जाना है जाओ, नहीं जाना ना जाओ, अभी हम क्या बोलेंगे इसमें है। हाँ जी जी एक तो तुम्हें सबरना होता है, कहा था ना करेंगे फोन। अरे अब तुम्हें का ही बताएं, रोज का रोना है हमारा, तो तुम अपना बताओ। हाँ